मैंने वक्त को देखा है। YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार इन्फ्लुएंसर एक्टर मॉडल डांसर प्रियंका चौहान के बारे में, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके मंजिल हासिल कर पाई है। इनकी स्टोरी सुनकर रोना आ जाएगा। चौहान ये वो नाम है जिनके वीडियो आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम आज सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाएंगे। लाखों दिलों पर राज कर रही प्रियंका चौहान आज लाखों रुपए प्रतिमाह कमाती हैं। लेकिन आप अगर इनके गुजरे हुए कल की बात करें, इनका गुजरा हुआ कल बहुत ही ज्यादा गरीबी में रहा है। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रियंका के संघर्ष के बारे में सब कुछ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो करते स्टार्ट। जिंदगी जुआ है, जुए से पैसा कमाने दे। प्रियंका का फुल नेम प्रियंका चौहान है और निक नेम प्रियंका है। 12 नवंबर 2000 में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार के एक छोटे से गांव बरवाल में प्रियंका का जन्म हुआ। सोशल मीडिया पर प्रियंका चौहान के नाम से फेमस हो रही हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी के अलावा इनकी एक बहन और एक भाई है। इनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी। पापा मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। प्रियंका 11 साल की थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। ऐसा न होने की वजह से प्रियंका की माँ के सामने अपने बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, परवरिश करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। अपनी माँ को टेंशन में देख प्रियंका ने फैसला किया, मजदूरी करेंगी और अपने परिवार को संभालेंगी। सबसे बड़ी होने की वजह से प्रियंका ने ईंट के भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया। ईंट के भट्टे पर काम करने वाली वो पहली लड़की थी। सभी जेंट्स ही काम किया करते थे। पहले बोले कि पूरा इंडिया घुमा। जिनमें से कुछ लोगों ने प्रियंका की मजबूरी को समझा, कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया। प्रियंका अपने परिवार के बोझ के चलते अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुकी थी, केवल 5th क्लास तक की पढ़ाई कर पाई थी। क्या लिखा है मेरी तकदीर में, सिफारिश किससे करूं? लेकिन उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके अपनी छोटी बहन और भाई को पढ़ाया है। प्रियंका भट्टे पर काम कर रही थी। उनकी छोटी बहन पूजा ने उनका वीडियो बनाया, टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। वीडियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया। यहीं से प्रियंका सोशल मीडिया सफर की शुरुआत हो गई थी। दोस्त नहीं भाई थे हम, और जोड़ी थी हमारी उदय मजनू। प्रियंका टिकटॉक पर वीडियो अपने ही ईंट भट्टे पर काम करने की बनाती थी, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यही देखते प्रियंका ने टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर चुकी थी। टिकटॉक से प्रियंका की थोड़ी बहुत ज्यादा इनकम होने लगी थी। तब तक भारत सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया। उसके बाद प्रियंका ने यूट्यूब ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनाने लगी थी। प्रियंका सुबह से शाम तक काम करके अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी। आज वे अपने कठिन परिश्रम और लगन से आज लाखों रुपए प्रतिमाह कमा रही हैं। गाने हिसार में अपना नया घर भी बनवा लिया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। इनकी इंस्टा आईडी प्रियंका चौहान 70 के नाम से है, इस पर इनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। बात करें इनके प्रोफेशन के बारे में, तो ये एक्टर मॉडल डांसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। नेशनलिटी इनकी इंडियन और रिलीजियन इनका हिंदू है। तो आप लोगों को प्रियंका के लाइफ की दुख भरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिले एक बैरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैंने वक्त को देखा है।